Good morning kids, good morning, good morning, good morning. How's the G Square Army? कैसे बच्चों पढ़ी? Ma'am today holidays बोल रही हैं, हाँ? ये क्या? कैसे भाई? How are you? Ma'am is live. ये तो मुझे भी पता चल गया. पता नहीं यार आजकल खांसी हो गई है थोड़ी सी. कैसे भाई? बता आज का excitement क्या है? कि 12th कंप्लीट होने वाली हाईलाइट सीरीज में कल मैं ये सोच रही थी कि हमने कितने चैप्टर कर लिए, तो इस चैप्टर के बाद हम 28 चैप्टर कर लेंगे, बट अभी भी 10 चैप्टर बचे हैं बच्चों, अभी भी 10 चैप्टर बचे हैं. यस, तो हाईलाइट सीरीज में आपका स्वागत है. स्वागत इसलिए कि 12वीं कक्षा का आखिरी चैप्टर, अंतिम अध्याय आज होगा. ठीक है, मैं चाहती हूं आप जोश में रहे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से मनोरंजक तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, स्वाद उठा सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं. तो आज का सेशन अपन शुरू करेंगे पार्ट वन के साथ. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. तो चैनल को मैं मानती हूं आपने जरूर सब्सक्राइब किया होगा. अगर आपने मैम के नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां पे लिंक है, थोड़ा प्यार बरसाइए, दुनिया में प्यार बांटिए, तभी ना प्यार मिलेगा बच्चों. ठीक है, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 65,000 बच्चे हैं. ठीक है, यस 65,000 बच्चे हैं. आप भी इसका पार्ट बनिए, अनअकैडमी नीट टॉपर पे आज अपना दाखिला कराइए. ठीक है, आइए एंथ्यूस बैच पे आते हैं. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं. आपको मैं टीचर्स के बाद बताती हूँ, शुभ करण चौधरी सर, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है. बट मैं आपको बता दूं, ये कोटा के टॉप मोस्ट टीचर है. 9 साल से खुद गारंटी लेते हैं अपने शब्दों से कि अगर मेरे से किसी बच्चे ने पढ़ लिया तो फिजिक्स में एक भी सवाल इनके नोट से बाहर नहीं आ सकता. मतलब कौन टीचर ऐसी गारंटी लेता है, आप मुझे बताइए. बट दीज आर द टीचर्स जो गारंटी लेके पढ़ाते कि हमारे नोट से बाहर नहीं आएगा. तो ऐसे टीचर से कल मैंने बात की और मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने कहा यार ऐसी एजुकेशन बच्चों को मिल जाए तो क्या ही चाहिए, है ना. तो एंथ्यूस बैच है, उसके बाद लेजेंड्स बैच है, उसके बाद संजीवनी बैच है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन सारे टीचर से पढ़ चुके हैं, यूट्यूब चैनल पे जरूर पढ़े होंगे आप. ठीक है, ये अनअकैडमी के अलग अलग ऑफर्स हैं. ये देखिए कॉम्बैट का पेपर होता है, स्कॉलरशिप पेपर. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, यू कैन एनरोल इन टू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको मेंटरशिप मिलती है. जो आप ढूंढने में समय व्यतीत करते हो आपको नहीं करना पड़ता है. ठीक है, इस टाइम ज्वाइन करेंगे तो 12 के साथ 2 महीने फ्री, 24 के साथ 3 महीने फ्री. तो 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं आइकॉनिक, प्लस आप एक मैजिकल कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है GA नीट. तो GA नीट कोड लगाइए और तुरंत से 10% ऑफ ले लीजिए. मैम नए चैनल का स्केड्यूल क्या है, जान ले लेंगे. तो अब नया चैनल बना है तो अब इन्हें और बहाने मिल गए. चलो भाई आ गए अपनी जनता पार्टी. यस, आ गए कि नहीं आ गए अपनी जनता पार्टी. यस, जल्दी बताओ आ गए अपने सब बच्चे. आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं. मैम नए चैनल का स्केड्यूल क्या, मैं बहुत गुस्से में आ चुका हूं. तो क्या करेंगे, यहां से गोला बारूद फेंकेंगे. यस बेटे, नए चैनल का स्केड्यूल आएगा, बट प्रॉब्लम इस चैनल अभी ना बनाए हैं. आप लोग भी ओवर एंथुसियास्टिक है मैम की तरह. ठीक है, हम कल कहे कि हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कायनात भी सुन ली कि गर्मा मैम आज स्ट्रैटेजी बताने वाली है. कायनात कहती ऐसे कैसे, कायनात शॉक, आई एम शॉक. चैनल कहता है कि लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी, वी ऑल्सो शॉक्ड. ठीक है, तो कल ये चीज हुई, मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठी रहती हूँ. बेटा गद्दा बद्दा डाल लिया, तुम्हें किसी दिन दिखाएंगे, अभी इंस्टाग्राम पे जाना, दिखाएंगे गद्दा बद्दा लगा दिया बिल्कुल स्टूडियो में, कि नीट के एग्जाम तो कहीं नहीं जाएंगे. किचन भी लगा दिया वहां पे, एक कढ़ाई रख ली, एक पैन रख लिए, और एक प्लेट है और एक कप है, और काली मिर्च भी रख ली है, 2-4 मसाले भी रख लिए. क्यों, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे सब कुछ रहेंगे. ठीक है, हम तो यहीं पे रहने के लिए तैयार हो गए, बट क्या करें, चैनल नहीं कह दिया लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी. तो बेटा ऐसी चीजें होती रहती है. चलो आ जाओ सेशन शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन हो चुका है बेटा. चलिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट करने वाले हैं. पहले तो मैं बता दूं ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ना चाहिए. सबसे पहली बात, ये चैप्टर में इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. कितने आते हैं मेरे बच्चों, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में. 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 4 × 3 = 12 से 16 नंबर का चैप्टर हम करने वाले हैं 2 दिनों के अंदर. 12 से 16 नंबर पॉकेट में सब अपनी रख लेंगे. ठीक है, पॉकेट में रख लेंगे. ठीक है, उसी के साथ साथ हर बच्चे को मैं बता दूं कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मॉड्यूल्स, क्योंकि इस चैप्टर में जो सवाल आता है केवल और केवल एनसीईआरटी से आता है. तो इस वाले चैप्टर के लिए आपको केवल क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी. क्या पढ़ना है मेरे बच्चों, केवल
एनसीईआरटी। तो ये दोनों चीजें दिमाग में रखना, तभी आप 16 नंबर अपनी पॉकेट में रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े, ठीक है, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। चलिए जल्दी से इनके बारे में लिख लेते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इन्हें आप देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये वही प्यार है जो तुम्हें लगता है हो रहा है बट तुम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11, पढ़ा है बेटा, याद है कुछ? ठीक है, डू यू रिमेम्बर अभी आएगा जवाब, डू यू रिमेम्बर विच किंगडम्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए जल्दी से बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला कौन सा किंगडम था? चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए एवरीवन। कौन सा था बेटा? मोनेरा। कौन सा था किड? दैट वॉज मोनेरा। एंड दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय Yes, R. H. Whittaker. किसने दिया था बेटा? R. H. Whittaker ने दिया था। Which are the one that are only microscopic? Microbes are present everywhere. ठीक है, microbes हर जगह है, मिट्टी में है, पानी में है, हवा में है, अपन के शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है। That of other animals and plants, they are present even at sites where no other life form could possibly exist, such as deep inside the geyser thermal vents, where the temperature may be 100 degrees Celsius deep in the soil. तो अगर हम इस बात को देखें तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रहते हैं? यस, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। कम ऑन बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी ले रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। तो कौन से होते बेटा? दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज आर्किबैक्टीरिया। हरजीत कतवाल, वेरी गुड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया में हमको तीन चीजें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। थर्मो एसिडोफिल्स, कौन से बेटा? थर्मो एसिडोफिल्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट क्लाइमेट के साथ साथ आपके हाई एसिडिटी में भी रह सकते हैं। उसके बाद जो पेट में ना मिलते हैं, किसके? कैटल के पेट में मिलते हैं। ठीक है, बड़ी सुंदर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, वो कौन बनाता है? मिथानोजेंस। वेरी गुड बबली, क्या है आंसर बेटा? मिथानोजेंस। ठीक है, जो बहुत ज्यादा सलाइन कंडीशन है, मार्शी एरिया में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? हैलोफाइल्स। तीसरा कौन सा बेटा? हैलोफाइल्स। ठीक है, तो ये हमारे आर्किबैक्टीरिया। क्या इनकी सेल वॉल में, क्या इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है? ट्रू ऑफ फॉल्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस बच्चों, क्या इनकी सेल वॉल में होता है पेप्टिडोग्लाइकन? आपका आंसर होगा नो मैम, इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल व्हिच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इवन इन द एडवर्स और द एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। क्या पेप्टिडोग्लाइकन दूसरी चीज होती है बेटा इनके पास? यस। अब आते हैं नेक्स्ट। Under the layers of snow, several meters thick and in highly acidic environment. तो यानी acidic environment वाला हमने पढ़ लिया बच्चों। Microbes are diverse. Microbes बहुत ज़्यादा diverse है, ठीक है? Protozoa. Protozoa मोनेरा में आते हैं। Yes, जल्दी बताइए। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Bacteria, bacteria मोनेरा। फंजी, फंजी किंगडम में, ठीक है? एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस विरोइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस एजेंट। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस एजेंट्स, ठीक है? सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन 10.1 एंड 10.2। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। नहीं बेटा, वो मोनेरा में नहीं आते हैं, वो कौन से किंगडम में आते हैं? प्रोटिस्टा। तो इनका किंगडम कौन सा है? कौन सा किंगडम है इसका? इसका किंगडम है प्रोटिस्टा। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इजी, ठीक है? अब आगे चलते हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। अब आपको यहां पे समझना चाहिए कि जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस अपने आप उगने लगती है, वैसे ही बैक्टीरिया भी एक पेट्री डिश में अपने आप उगने लगता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बन रहे हैं, ठीक है? दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। अकेला है तो दिख नहीं रहा है, बट कॉलोनी की फॉर्म में तब आपको ये दिखता है, ठीक है बच्चों? सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को हम यूज करते हैं किसके लिए? स्टडीज के लिए। और ये जो कल्चर्स हम बनाते हैं, बहुत ही स्टेरिलाइज कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट में बनाते हैं, ठीक है बच्चों? अब आते हैं जरा थोड़ा सा बैक्टीरिया और फंजी के बारे में बात कर लेते हैं।
चलो बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की बात करें तो जल्दी मुझे बताइए कौन किस चीज से बनी होती है बेटा सेल वॉल. कम ऑन किड्स, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन. किससे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन? ये होमो पॉलीसैकराइड है या हेट्रो पॉलीसैकराइड है? होमो है या हेट्रो है जल्दी से बताइए. तो ये क्या है? हेट्रो पॉलीसैकराइड है. हेट्रो का मतलब होता है कि इसमें दो डिफरेंट तरह की यूनिट्स प्रेजेंट है. अगर दो डिफरेंट तरह की यूनिट्स की बात करें तो इसमें नैग और नैम है. वेरी गुड किड्स, आई लाइक द पार्टिसिपेशन. नैग एंड नैम. अगर नैग की बात करें तो एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, नैम की बात करें तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. तो पेप्टिडोग्लाइकन एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है? आखिर है तो है क्या? जल्दी से चार्ट सेक्शन में मैम को बताइए. तो यहां से पॉलीसैकराइड से आपको पता लग जाना चाहिए कि इट इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. कैसा है ये? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, वहीं पे अब फंगस पे आते हैं. फंजी की अगर सेल वॉल, सेल वॉल होती है? याद नहीं आ रहा यार बच्चों, याद नहीं आ रहा. यस, सेल वॉल तो होती है, बट किससे बनी होती है? द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल वर्ल्ड, दैट इज योर काइटिन. क्या है? दैट इज योर काइटिन. काइटिन जो है ये होमो पॉलीसैकराइड है, हेट्रो पॉलीसैकराइड है? बायो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा छू रहे हैं बच्चों. ये क्या है? होमो पॉलीसैकराइड. क्या है ये? होमो पॉलीसैकराइड. तो सिंस ये होमो पॉलीसैकराइड है, इसका मतलब ये केवल एक ही तरह की यूनिट से बना है, जिसका नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन. ठीक है, किससे बना है ये? एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन. ठीक है, नाक से बना है. ठीक है, तो ये सब चीजें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं आपको इन्हीं सब पे बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. यहाँ पे आ गए अब हम. बेटा देखो ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पहचान कौन खेले बेटा? लेट अस प्ले पहचान कौन. अपनी एनसीईआरटी देखो, जब भी आप ऐसी चीजें देखो तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, एक पेपर लगाएंगे सब बच्चे और फिर देखेंगे कि आपको एनसीईआरटी कितनी याद है. दिस इज द बेस्ट वे टू डू पहचान कौन क्वेश्चंस. हर के नीचे, हर एक लेजेंड के नीचे इस तरीके से सब नोटबुक्स लगा लेंगे. लगा ली सबने? अब बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे क्विज खेलेंगे हम लोग. चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है? चलिए बच्चों, व्हाट इज ए? लुक एट द शेप ऑफ द बैक्टीरिया. द बैक्टीरिया लुक्स रॉड शेप. ये क्या है बेटा? रॉड शेप बैक्टीरिया. इसके बारे में आपको दिया भी हुआ है सेल चैप्टर में, है ना? तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया और इसका नेम क्या होता है? जो रॉड शेप होता है उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप? बैसिलस. वेरी गुड. सो सच अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैसिलस. एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट, जल्दी से, एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या था? एंथ्रेक्स. कम ऑन एवरीवन, एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या था? एंथ्रेक्स क्या था? बैसिलस एंथ्रासिस. बैसिलस एंथ्रासिस. ठीक है, बीटी क्रॉप. बीटी क्या है? व्हाट इज बीटी? बीटी क्रॉप में बीटी क्या है, उसका नाम बताइए. दैट इज बैसिलस थ्रिंजियेंसिस. थ्रिंजियेंसिस. यहीं पे सारे नाम लिख लो जितने तुम्हें याद है. हर एक जगह पे लिस्ट बनाते रहो पूरे बायो की. देखना कि तुम एक बैक्टीरियोफेज कौन लिख रहा है भाई. बैक्टीरियोफेज कौन लिख रहा है? अभी पकड़ के निकाल के लाएंगे. बिल्कुल, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, नलायक है वो. ठीक है, अब यहाँ पे बी पे आते हैं. कोई नहीं देखेगा, बस पहचानो, गौर से फरमाओ. व्हाट इज द शेप? कैसी शेप है? द शेप इज स्फेरिकल. द शेप इज स्फेरिकल एंड द स्फेरिकल शेप इज कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बताइए. द स्फेरिकल इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस. वैष्णवी पूरी, वेरी गुड बेटा वैष्णवी. द स्फेरिकल इज स्ट्रेप्टोकोकस. चलिए एग्जाम्पल, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट. निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट, यहीं पे इसके एग्जांपल, इस साइड उसके एग्जांपल लिखेंगे. एग्जांपल क्या है? निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्कारलेट फीवर. स्कारलेट फीवर कौन कॉज करता है? स्कारलेट फीवर बताया था हमने, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स. स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स. एग्जाम्पल लिख लिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं. शेप कैसी दिख रही है? रॉड शेप है, ये फ्लैजेला है. ठीक है, इट इज अ रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजेला. तो ये क्या है? फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया. फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया.
फ्लाजिलेटेड बैक्टीरिया है। और यहाँ पे फ्लाजिला का मेन फंक्शन क्या होगा, व्हाट वुड बी द फंक्शन ऑफ फ्लाजिला बच्चों, द मूवमेंट, दिस विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ठीक है, यस, तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। एंड इसका नाम यस स्पाइरल शेप में दिख रहा, बट देखो यहाँ पे स्पाइरल शेप नहीं है बैक्टीरिया का, वो रॉड शेप्ड है बट उसके पास फ्लैजेल है। अगर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता तब हम स्पिरिलियम यूज करते, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ठहर के देखने की जरूरत है। अब हम इस पे आए बच्चों, चलिए अब इसका पहचान कौन करते हैं आराम से, यहाँ पे अब मैंने वापस से कवर कर दिया है। वॉट इज ए, कम ऑन बच्चो, वॉट इज ए, ध्यान से बेटा, Yes, what is A? What is A? यहां पे ध्यान से देखो, तो A अगर हम देखें तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, बेटा एक सेकंड, मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दूं। Yes, what is A बच्चों? It is a bacteriophage. चलिए bacteriophage के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। Since a bacteriophage है, bacteriophage is a type of a virus which infect dash. ठीक है, किसको इन्फेक्ट कर रहा है? It is a type of virus. It is a type of virus infecting bacteria. Virus infecting bacteria. ठीक है, अब bacteria अपने आपको कैसे बचाता है बच्चों? How does a bacteria saving himself from the attack of bacteriophage? इस bacteria के पास एक ऐसा enzyme है, ऐसा हथियार है कि वो कहता है आजा आजा तुझे दिखाता हूं जरा। ठीक है, इसके पास कौन सा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैक्टीरियोफेज, इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? यस, लैम्डा फाज। क्या है इसका एग्जांपल? लैम्डा फाज, M13 फाज। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं बी। बी क्या है? बी आपका गेम बॉक्स नहीं है ना लाइको, बी इज नॉट योर गेम बॉक्स, बी इज एडेनोवायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी रेफर्स टू एडेनोवायरस। और एडेनोवायरस कहां पे इंफेक्शन करती है जल्दी बताइए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कहां इंफेक्शन करती है ये? दिस इन्फेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दिस इज गोइंग टू इन्फेक्ट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ द C1 कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरस, दिस इज कॉल्ड एज रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ैक वायरस। तो यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज टीएमवी, टीएमवी हैज डीएनए और आरएनए। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, डीएनए और आरएनए, कौन सा वायरस है ये? डीएनए बेस्ड वायरस और आरएनए बेस्ड वायरस, कौन सा वायरस है बच्चों जल्दी बताइए, मैं वेट कर रही हूं तुम्हारे आंसर का। लेट मी सी सबसे पहले कौन सा ही आंसर देता है आज, ये बहुत ही स्पीड है यार, नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरी आंख इतनी तेज तो काम नहीं करती है, बट बच्चे बहुत शाने हैं जिन्होंने कहा है इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए है। तो क्या मैं इसे रेट्रोवायरस बोल दूं? क्या मैं इसे रेट्रोवायरस बोल दूं? यस, सो इट इज अ टाइप ऑफ अ रेट्रोवायरस। और टोबैको मोज़ैक वायरस से बचाने के लिए हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग की थी लास्ट चैप्टर में, वो दो चीजें कौन सी थी जिसमें हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग भी की और उनको बचा भी लिया टीएमवी के इंफेक्शन से? कल की क्लास में बताया था, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कल की क्लास में समझाया था, लिखवाया था, पढ़ाया था, अब मैं नहीं बताऊंगी। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो, तुम बिल्कुल पढ़ के गए हो बायो, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी। देखो यहाँ पे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, गुड जॉब किड्स। पहला क्या था यहाँ पे, हम लिखेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, और इस ब्रीडिंग के कारण हमने मूंग बीन्स एंड ओकरा यानी भिंडी को बचा लिए है। ठीक है, किसको बचा लिए है? यस कम ऑन किड्स, मूंग बीन्स एंड ओकरा, ओकरा माने भिंडी, तो दोनों को हम बचा चुके हैं। ठीक है, वहीं पे मूंग बीन्स को एक और इंफेक्शन से बचाए थे, येलो येलो डर्टी फेलो, क्या नाम था इंफेक्शन का जल्दी बताइए बच्चों? मूंग बीन्स को हमने एक और इंफेक्शन से बचाया था जिसका नाम क्या था? येलो पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, यस येलो पाउडरी मिल्ड्यू, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। इसको दोनों की यहां पे मिल रही है प्रोटेक्शन, बट ओकरा को केवल टीएमवी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमने दी है। ठीक है बच्चों, ये वाला पूरा क्लियर हो गया स्लाइड, ये बिल्कुल सबको समझ में आया है, एक एक चीज आपने लिख दी बेटा, डन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
पहचान कौन। अब चलिए एक और पहचान कौन खेलना है, फिर से सब बच्चे ऐसे करेंगे, एवरीवन ट्राई। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने ऐसे ऐसे कवर किया फिर तुमने पहचान लिया दोनों को? अगर नहीं पहचाना तो मतलब बायो और अच्छे से पढ़नी है, अगर आपने पहचान लिया है तो मतलब कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कवर करके रखेंगे एंड लेट अस खेलते हैं क्या अपना पहचान कौन। पहला क्या है, ए हैज गॉट कॉलोनीज ग्रोइंग इन द पेट्री डिश। तो यानी कि ये सारी क्या है, व्हाइट कलर की कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ये सारी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया है जो कि एक न्यूट्रिटिव मीडियम पे ग्रो कर रही है। कहां पे ग्रो कर रही है बच्चों? इट इज ग्रोइंग ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम, ग्रोइंग ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम। ठीक है, तो ये हमने पहचान लिया। अब आते हैं इस पे, फंगल कॉलोनी, यानी कि ये सब खुशहाल थे, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा हरे रंग का पैच सबको दिख रहा है, यहाँ पे हरे रंग का एक बड़ा सा पैच है एंड दिस इंडिकेट्स अ फंगल कॉलोनी, मींस अ फंगस इज ग्रोइंग इन दिस पर्टिकुलर पेट्री डिश। ठीक है, फंगस को बुलाने के लिए आपको क्या करना होता है, हल्का सा मॉइस्चर डालना होता है और टेम्परेचर वार्म करना होता है। तो फंगल की ग्रोथ के लिए, फंगस की ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन, वार्म कंडीशन चाहिए, एट द सेम टाइम थोड़ी सी आपको ह्यूमिडिटी चाहिए। भाई बालों में डैंड्रफ होना शुरू हुआ या नहीं हुआ, बस ये बताओ चैट सेक्शन में बच्चों, बालों में डैंड्रफ शुरू हुआ या नहीं हुआ? जितने भी नॉर्दर्न इंडिया वाले हैं, नॉर्थ इंडिया वालों की बात कर रही हूं, बालों में डैंड्रफ होना शुरू हो गया होगा, नहीं हुआ तो भी हो जाएगा। रीजन भी ह्यूमिडिटी, मॉनसून आ रहा है, ठीक है, और गर्मी बहुत है। अगर आप एक सेकेंड बच्चों, बफरिंग हो रहा है क्या, सेशन सेशन लैग हो रहा है क्या बच्चों, लैग हुआ क्या सेशन में, लैग हुआ ना? हाँ हाँ हाँ, पता लग गया बेटा, पता लग गया मुझे, लैग हो गया मुझे, पता चल गया। अभी ठीक हो गया, अभी सब कुछ ठीक है, इज इट फाइन नाउ? मेरे को पता लग गया था, मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था लैग का, अभी ठीक हो जाएगा, कनेक्ट हो गया, यस। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस चैप्टर टॉपिक इज माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। आखिर हम घर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिसमें हमें माइक्रोब्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पे देखते हैं। You would be surprised, बेटा आपको surprise होना है, ठीक है? मैम का जो भी thumbnail आता है उसमें मैम का reaction कैसे रहता है, जल्दी बताओ chat section में। हम 10-12 photo दिए हैं, but कौन सी photo मैम की सबसे ज्यादा लगती है? मतलब मैं ही पक चुके उसको देख देख के, ठीक है, yes। तो बेटा आपको वही वाला reaction देना है, ठीक है, जो मैम हर thumbnail पे देती है। You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day। ठीक है, हो गए आप surprise? A common example is a production of curd from milk। तो भाई दही वाले लवर्स कौन कौन है चैट बॉक्स में एक बार बता दें। तो जो दही है जो दही है बच्चों, हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में यूज करता है, चाहे वो इडली का बैटर हो या बेसन का चीला हो या दही की लस्सी हो या मीठी लस्सी हो या दही कबाब हो या दही पकौड़ा हो, दही दही है ना। तो ये दही कहां से आई, चलिए देखते हैं। इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, कौन सा बेटा ये लैक्टोबैसिलस है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है ये, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैब ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो यानी जो लैक्टोबैसिलस है या लैब है, दोनों का ही काम क्या है बच्चों, दोनों का ही काम क्या है कि आपके मिल्क को किसमें कन्वर्ट करना, कर्ड में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ग्रोथ। अब ग्रोथ के टाइम पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो हो क्या रहा है बेटा, हो क्या रहा है, देखिए आज हम आपको पूरा बढ़िया से प्रोसेस समझाएंगे। ठीक है, दही जमा लो, है ना, यस। तो यहां पे है क्या, आपने लिया दूध, दूध को हल्का सा गर्म कर लिया, गर्म करना है थोड़ा सा, गर्म करने के बाद
उसके अंदर जामुन, मम्मी कहती होगी जामुन, जामुन की अंग्रेजी है इनोकुलम। तो नेक्स्ट टाइम मम्मी कहे कि बेटा जामुन मिला दे, तो आपका नाम मम्मी इनोकुलम, ठीक है। अब फ्लाइंग चप्पल पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो तो तुम जानते हो, ठीक है। तो इनोकुलम जामुन है, ठीक है। उसमें ऐसे बढ़िया से प्यार से, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है, ऐसे घोल दिया आपने। फिर उसके ऊपर आपने रख देनी है प्लेट और उसे जमाने के लिए छोड़ देना है अनडिस्टर्ब, यानी हर आधे घंटे में आइसक्रीम जम गई क्या, दही जम गई क्या, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब जब आपने उसे छोड़ा तो उसके अंदर क्या हुआ, तो जो जामुन था, जामुन माने इनोकुलम, उस इनोकुलम में आपके बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, सारे के सारे मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है मेरे बच्चों, मिल्क प्रोटीन का नाम होता है कैसिन। क्या नाम है मेरे बच्चों, कैसिन, ठीक है। ये जो कैसिन है इसको आप पार्शली डाइजेस्ट किया जाएगा, कौन डाइजेस्ट करेगा, माइक्रोब, और उससे बना देगा कर्ड, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड यानी जामुन की बात कर रहा है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड क्या है बेटा, दिस इज जामुन और इनोकुलम, दोनों ही शब्द मैंने आपके लिए लिख दिए जो आपको समझ में आता हो। एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर contain millions of lab. तो यहाँ पे हमने उसे इनोकुलम की तरह यूज किया है बच्चों, जो आपके लैब से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। यस, विच एट सुटेबल टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें तो कितना टेम्परेचर होगा, 35 से 40, मान लिया मेरे को तब से यही बता रही है, 35 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे क्या है, सुटेबल टेम्परेचर है, इट इज बेस्ट टेम्परेचर। अब बेटा यहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, विच ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ नीट, नीट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ये यहां पे मैं मार्क कर देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, यानी दही में क्या क्या ज्यादा है, तो मैं यहां पे इंफॉर्मेशन लिख रही हूं कि अगर कर्ड की बात करें एज कंपेयर टू मिल्क, इसमें विटामिन B12 ज्यादा है। विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स नेम क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ विटामिन B12? यस बच्चों जल्दी बताओ, एक सेकेंड, हाँ ओके डन, थैंक यू बेटा, ये ऐसे काम नहीं कर रहा था, वही देख रही हूँ तब से। विटामिन डी B12 की बात करें तो इट इज साइनो कोबालमिन, क्या है बेटा ये, साइनो कोबालमिन, और इसी को हम कहते हैं कासल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बॉडी अंदर से बना रही है एक तो, ठीक है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो बाहर से लेते हैं उसे कासल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, तो इसे हम कासल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, कासल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और इसका मेन काम क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ RBC, किसमें हेल्प करता है बच्चों, ये प्रोडक्शन ऑफ RBC के प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसे क्या कहते हैं किड्स, उसे हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया, क्या कहते हैं उसे, परनीशियस अनीमिया। तो अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे परनीशियस एनीमिया कहेंगे। अगर परनीशियस एनीमिया है तो बच्चे को क्या खाना चाहिए बच्चों, बच्चों को तब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कर्ड खानी चाहिए, ठीक है। अब आते दूसरी चीज की, कर्ड में और क्या ज्यादा होता है, दूसरी चीज बात करें तो इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट कम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में दही खानी चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है एंड इट कैन मेक योर बोन्स स्ट्रॉन्गर, तो आपकी बोन्स जो है क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल, तो लैब का पेट में भी बड़ा जरूरी काम है, चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो यानी कि जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसको भी ये मार देता है, यानी कि इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। तो कर्ड का दूसरा काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए द डो, डो समझे बेटा, डो क्या होता है, आटा, गूंदा हुआ आटा, आटा, ठीक है। डो क्या होता है बेटा, डो क्या होता है, गूंदा हुआ आटा, ठीक है। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, अब डोसा का डो मतलब बैटर, बैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डोसा, इडली, बहुत टेस्टी होता है, आजकल आपको इडली के फ्लेवर्स बताए तो कोकोनट इडली,
बीटरूट इडली, ठीक है, वेजिटेबल इडली, मंचूरियन इडली बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। तो इनका जो डो बनाएंगे कैसे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल पे जाएंगे अभी देखेंगे। इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। अब फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया का मतलब क्या है? फर्मेंटेशन जब जब होती है क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे क्या बनाना शुरू कर दिया बैक्टीरिया ने? कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया। कैन यू टेल व्हिच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? यस बेटा, कौन सा पाथवे हो रहा है? यस जल्दी बताइए। हियर द पाथवे इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, पाथवे इज फर्मेंटेशन। तो ये लिख लो पाथवे कौन सा है। नाउ वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? कहां से आ रहे हैं भाई, कहां से आ रहे हैं, जल्दी बताइए ना कहां से आ रहे हैं। सिमिलरली द डो व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। तो यानी जो बेकरी इंडस्ट्री है उसमें भी आप बेकर्स यीस्ट यूज कर रहे हैं, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, बेकर्स यीस्ट। अब हम जरा थोड़ा गूगल पे जाएंगे, अभी हम आपको बढ़िया से समझाएंगे, विजुअलाइज कराएंगे, ठीक है। यहां पर सब आ गए, सब देख रहे हैं यहां पे, चलिए। अरे यार ये टाइपिंग में थोड़ा देर लगाता है, एक ये कर लेते हैं। चलो यहां पे हमें देखना है डोसा बैटर। अब आप यहां देखेंगे, देखिए देखिए, अब ध्यान से विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। एक एक फोटो सबने ध्यान से देखनी है, जैसे कि आपको पता रहे कि कैसे हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। मुंह में पानी आ जाए तो हमारी गलती नहीं है भाई, ठीक है। अब यहां पे किसी में CO2 दिख रहा है कि बनता हुआ? ये देखिए वहां पे आप देख रहे हैं, कैन यू सी द होल्स? जब आपने बैटर को तवे पे डाला तो आप यहाँ पे छेदीला डोसा देख रहे हैं, छेदीला डोसा। ये छेदीला डोसा क्यों बना बेटा? छेदीला डोसा इसलिए बना है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है। और ये कहां से आया? यीस्ट आपने डाल दिया, ठीक है। तो आप देखिए वहां पे छेदीला डोसा, ठीक है। अब यहां देखिए इडली में भी छेद दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इडली में भी देखिए छेद दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, ये भी सब छेदीला हो रखा है, बढ़िया से छेदीला है ना। तो ये सब चीजें बनाने के लिए बेटा आपने यहाँ पे यीस्ट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप ये खमीर उठा रहे हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरीके से ये सब चीजें बनाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं, मुंह में पानी आ गया है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। फूड आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। अब ट्रेडिशनल ड्रिंक की बात करें तो गर्मियां आते हर के घर में आम पन्ना बनना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है? देखो सीधे साधे लोग हैं, सिंपल से हैं, मान के चल रहे हो आप भी सिंपल से हैं। गर्मियां आती है तो क्या बन जाता है? अब वो बन जाता है बेल का रस, बेल का शरबत, सॉरी रस नहीं, बेल का शरबत, या फिर वो बन जाएगा आम पन्ना। सर्दी आएंगी, कांजी पानी बनाएंगे, पेट साफ करो, ठीक है। तो घर में ऐसी वाली चीजें बनती है, बट इनके ट्रेडिशनल ड्रिंक्स कौन से? चलो अब इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू देम ट्रेडिशनल ड्रिंक इज टॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब। टॉडी बहुत पॉपुलर ड्रिंक है केरला की, कहां की? केरला की, ठीक है। अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, ठीक है। तो ये जो पाम का जो रस है, करना क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया प्रोसेस है, मतलब मजा आ जाएगा आपको देख के, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पाम फॉर टॉडी, इतना बढ़िया प्रोसेस है। अभी मैं घूमने गई थी तो मैं तो देख कर आई, ये अलग ही है, ये नालायक है, इसको बस देखो। यस ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए किस तरीके से ये पाम को, ये देखिए आप देख रहे हैं, एवरीबडी कैन सी इट। ये क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा डोना रख लेंगे, मटका रख लेंगे, काले रंग का बड़ा बड़ा मटका रख लेंगे, ठीक है। यस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा मटका रख लिया अंकल लोग, यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे देखिए कैसे कलेक्ट कर रहा है, मटका रख दिए, पूरा दिन भर उसमें गिरता रहेगा, सुबह जाएंगे उसको बड़े एक बड़े से कंटेनर में भर लेंगे, फिर कंटेनर को रख के उसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। देखिए बहुत ही टफ प्रोसेस है। टॉडी दिखता कैसे? टॉडी ऐसा दिखता है, देख पा रहे हैं आप, टॉडी ऐसा दिखता है, यू सी टॉडी लाइक दिस। ये देखिए कितना बढ़िया है, देखिए कितना मुश्किल काम कर रहे हैं, है ना, रिस्किंग वेरी मच। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ड्रिंक की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? टॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस
टॉडी की बात कर रहे हैं, और टॉडी किससे बनती है जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। ये बनती है पाम के रस से, और पाम के रस से कैसे बन रही है, फर्मेंटेशन से बन रही है। और जो फर्मेंटेशन यहाँ पे हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इथेनॉल फर्मेंटेशन। कौन सा हो रहा है, इथेनॉल फर्मेंटेशन, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। आ जाओ बेटा अब आते अलग खेल पे। तो यहां पर तब तो हो गया, मजा आ गया यहां तक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, फिश का फर्मेंटेशन, यानी मछली खा रहे साथ में, समझ रहे ना, यस, फर्मेंटेशन ऑफ फिश, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोयाबीन एंड बैम्बू, सोयाबीन बैम्बू शूट टू मेक फूड्स। तो यानी कि हम यहाँ पे फर्मेंटेड फूड भी बना सकते हैं, जिसमें हम सोयाबीन ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं और बैम्बू शूट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चीज, जीभ लप लपाई, आई नो, चीज, चीज क्या है बेटा, चीज तो चीज होती है। तो आपको पता है आप बचपन में हमेशा ये कहते होंगे, मम्मी 5 रुपए दे दो चीज ही लानी है, हाँ ठीक है, ऐसे भी होता है। तो यही चीज है बेटा, चीज की बात कर रहे हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द चीज। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज। तो चीज बनाने के लिए एक ऐसी क्रिया यूज की जाती है जहां पे आप माइक्रोब्स का यूज करें, जैसी चीज वैसा माइक्रोब। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आप जैसे वो अंकल, वो वाले अंकल तो आपने देखे होंगे, ये वाले अंकल है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो बड़ा सा कुछ ले लेते हैं प्लेट में, ठीक है। उसके बाद वो देखते होंगे कभी पार्मेजान चीज डाल रहे हैं, कभी वहां पे फेटा चीज यूज कर रहे हैं सैलेड बनाने में, कभी वहां पे चेडार चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हमेशा ये सब भी करते हैं, आपने देखा होगा, मैं मान नहीं सकती आप देखे नहीं है, है ना, यस, ये वाला। तो ऐसे सब चीजें आपने देखी होगी, चीज ये सब यूज करते हैं, ठीक है, यस बच्चों। नाउ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी सारी डिफरेंट वेराइटीज मैंने आपको बताई, ठीक है। आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, देख कैसी रही है। अभी जैसे मोजरेला चीज देखेंगे तो छोटा सा पैकेट में आता है मोजरेला, ठीक है। अब आजकल स्ट्रीट फूड की वीडियो देखो तो उसमें सब वो एक कद्दूकस ले लेते हैं और फिर ऐसे, और फिर कहेंगे ये लो सैंडविच, अरे सैंडविच तो दिख ही नहीं रहा, चीज खा के क्या कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज है। मोजरेला हमारे देश में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। चीज क्यूब्स होती है, चीज स्लाइस होते हैं, ठीक है। चीज स्लाइस ब्रेड में लगने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। चलिए नाउ फ्लेवर एंड टेस्ट, सबका फ्लेवर भी अलग है, सबका टेस्ट भी अलग है। वापिस करना है क्या एक बार, ये लो, कितना अच्छे से करती हूं मैं। चलो, the specificity coming from the microbes used। तो जैसा microbe वैसी आपकी चीज बनेगी। अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चे भाग गए मेरे 50 नालायको। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, बेटा देखो सब चीजें छेदीली है, आपको क्या समझना है, हर चीज छेदीली है, और छेदीलेपन के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। Due to the production of large amount of CO2, वही सेम बात रिपीट की है, बायोबैक्टीरियम नेम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये वो शर्मानी है जो हमेशा शर्माता है। तो अगर आपने स्विस चीज बनानी है तो आपने हमेशा प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी यूज करना है, ठीक है। रॉकफोर्ट चीज, एनटीए का क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them, which gives them a particular flavor. बेटा फंगस का मैं नाम बताती हूँ आपको, एक सेकंड में देख लेती हूँ अगर मेरे पास है इसकी इंफॉर्मेशन, एक सेकंड रुको, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, ठीक है। देखो इतना रट्टा बट्टा हम नहीं लगाते हैं किसी चीज का, बता देते हैं। जैसे कि तुम हाथ की याद अपने नोट्स अपडेट कर लो, बता रहे हैं, जाना मत, पता लगे अभी सर उठाए सब चले गए, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए इनको हर टाइम का। कहाँ पे है चीज वाला टेबल, क्या यार, सार मिल्क कर्ड यहां लिखे नहीं है क्या, चीज आपको पता है बेटा नाम आपको पता, हाँ मिल गई, पेनिसिलियम रॉक 40, यस मिल गया। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कौन बनाता है आपको पता, अच्छा तुम्हें पता है क्या, अच्छा हम ना लिखें फिर, हम तो लिखेंगे। चलो क्या है, पेनिसिलियम, इतना सब याद नहीं रह पाता बेटा, सॉरी, रॉक 40, रॉक फोटा 40, तो ये है नाम इसका, ये आप नोट कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता ही उनके लिए, जो यहां पे स्टाइल मार रहे हैं नालायको,
स्टाइल ना पेपर में मारा करो जब एंटी का मॉक टेस्ट कराती हूँ. तो ये चीज है बेटा, तो जो आपकी रॉकफोर्ट चीज है वो फंगस से बनी है, जबकि जो स्विस चीज है वहां पे आपने प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेयर मानी, यानी वो बैक्टीरियल चीज है. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब नेक्स्ट पे आते हैं माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अब इंडस्ट्रियल स्केल पे हम क्या क्या बनाने वाले हैं. ठीक है, चलिए बनाए बेटा. आप बोलो तो कि मैम बना लेते हैं, बोलो तो सही यार, थोड़ा सा तो है ना. इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स. देख रहे हो बेटा, यही है सारा अंधकार. बेवरेजेस, बेवरेजेस समझ रहे, चाय और कॉफी को भी कहते हैं. एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स वो होते हैं विच किल्स बैक्टीरिया, किल्स बैक्टीरिया. पहली जो थी आपके एंटीबायोटिक वो किसने ढूंढ निकाली थी, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहां से निकाली थी, पेनिसिलियम नोटैटम से. ठीक है, पेनिसिलिन उसका नाम था. भूतिया इफेक्ट हो गया, मजा आ गया. एक आध भूतिया इफेक्ट के बिना मजा ही नहीं आता सेशन में. चलिए, आर सम एग्जांपल. प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स. तो यहाँ पे हम फर्मेंटर्स ले रहे हैं. बायोटेक के चैप्टर में हम बायो रिएक्टर्स लेते हैं. तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझना होगा कि यहाँ पे हम फर्मेंटर्स ले रहे हैं, जो बायोटेक का हमने चैप्टर किया था वहां पे हम बायो रिएक्टर्स ले रहे हैं. दोनों ही साइज में बड़े होते हैं, 1000 लीटर तक की कैपेसिटी इनकी हो सकती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ओहो कौन सी फिगर है, फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, कम ऑन एवरीवन, क्या दिखाया जा रहा है फिगर में, फिगर में दिखाया जा रहा है फर्मेंटर्स. क्या दिखाया जा रहा है, फर्मेंटर्स. ऐसे याद करना है, एक एक चीज दिमाग में बिठानी है. ठीक है, यस, चलिए अब आते हैं यहां पे फर्मेंटेड बेवरेजेस. और भाई टैलेंटेड किड्स, आई नो एवरीथिंग. ठीक है, वैसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट ड्यूटी है तो पढ़ाएंगे तो है ही. ठीक है, अब ज्ञान की गंगा तो वहां से बहेगी, वहां से. Microbes, specially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. ये सब बनाएंगे, ठीक है? Yes. For this purpose, the same yeast. यहाँ पे same yeast use करे, Saccharomyces cerevisiae से, but वहाँ पे उसे baker yeast बोलते थे, यहाँ पे इसे brewer yeast बोलते हैं. तो नाम देखो, रिश्ता वही सोच नहीं, आप समझ रहे हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं. तो यानी कि देखो, काम तो इसका फर्मेंटेशन ही है, बस नाम अलग हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री अलग हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स. माल्टेड का मतलब है मीठे, मीठे जो होते हैं आपके जितने भी ज्वार बाजरा किसी से भी आप बना सकते हैं, उससे हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, सिंगल माल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल माल्ट, यस व्हाट इज सिंगल माल्ट, डबल माल्ट क्या होता है, ये सब माल्टेड क्या है, एक बार बढ़िया से प्रोसेस किया गया है. ठीक है, और सिंगल सीरियल है, सिंगल माल्ट. ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, इसी पे नाम आया है सिंगल माल्ट, डबल माल्ट. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बाकी. ठीक है, नाउ एंड फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूस भी ना बना रहे हैं फ्लेवर. ठीक है, टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल बना रहे क्योंकि इथेनॉल का ही सारा कहानी है. ठीक है, डू यू रिकलेक्ट, हाँ हमारे बच्चों को ये सब नहीं पता, हमारे बच्चों को ये समझ कह रहे, डू यू रिकलेक्ट. ठीक है, द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय यीस्ट. अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे थे भाई, मैं कहूँ हमारे बच्चों को कोई पता ही नहीं, इतने सीधे बच्चे हैं. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे हम, इथेनॉल फर्मेंटेशन. क्या यूज करेंगे, इथेनॉल फर्मेंटेशन. जो तो मेथड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल समझ रहे, कई बार हम गेहूं ले लेते हैं, गेहूं से जो बनने वाली है, यानी गेहूं मतलब वीट होता है ना, वीट से जो बनती है उसको बियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, बियर बोलते हैं. ठीक है, बियर जो है गर्मियों के दिन में अक्सर लोग इंजॉय करते हैं क्योंकि वो ठंडी रहती है, बाहर का मौसम गर्म रहता है. ठीक है, अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल किससे बना रहे हैं, आलू से भी बनता है, आलू से जो बनता है उसे वोडका कहते हैं. अब इसके बारे में पूरे एक टेबल लिखवाएंगे तुमको बढ़िया सा. ठीक है, चलिए, रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया गया फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. अब कौन सा मटेरियल यूज किया, कौन सा प्रोसेसिंग यूज किया है, वो सब भी डिपेंड करता है. ठीक है बेटा, यस, विद और विदाउट डिस्टिलेशन, विद और विदाउट डिस्टिलेशन. बेटा देखो, डिस्टिलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 13% अगर यीस्ट ने अल्कोहल बना दिया तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अगर यहीं पे यीस्ट ने 13%
अल्कोहल यानी इथेनॉल बना दिया तो उसको क्या कहते बेटा? यस, टॉक्सिसिटी, ठीक है, अल्कोहल पॉइजनिंग, ठीक है, यस। तो यहाँ पे पॉइजनिंग हो जाएगी, यीस्ट मर जाएगी, तो इससे ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आपको इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है तो आपने प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी डिस्टिलेशन की। किसकी यूज करनी पड़ेगी बेटा? डिस्टिलेशन की यूज करनी पड़ेगी। जैसे अब आते हैं हम, देखते हैं आगे, ठीक है, वाइन एंड अ बियर, जो बच्चे स्पेलिंग लिख रहे थे ना, ये वाला स्पेलिंग जो बच्चे लिख रहे थे चैट सेक्शन में, भालू पियोगे क्या? नालायको, स्पेलिंग तो देखा करो, भालू पियोगे, पिटाई नहीं तुम्हारी सब। वाइन एंड बियर, ठीक है, वाइन आप समझे जो अंगूर से बनती है, एक रेड वाइन होती है, एक व्हाइट वाइन होती है। जो रेड वाइन होती है बच्चों वो लाल अंगूर से बनती है, जो काला अंगूर होता है, ठीक है, जो हरा वाला अंगूर होता है उसका आप छिलका उतारेंगे तो जो अंदर से निकले वो व्हाइट कलर का, तो व्हाइट वाइन, रेड वाइन, ठीक है बच्चों, यस। अब आते हैं नेक्स्ट में, आप प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे डिस्टिलेशन नहीं यूज कर रहे क्योंकि 13% से कम अल्कोहल रहता है, ठीक है बच्चों। नाउ वेयर इज विस्की, विस्की समझ रहे हैं, लोग विस्की भी पीते हैं, जैसे कि सिर्फ कभी कभी उसके साथ पी लेते हैं, बर्फ के साथ पी लेते हैं, कई बार मिक्सिंग के साथ पी लेते हैं, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है भाई। ब्रांडी हो गई, ये अक्सर तब पी जाती है जब बाहर का इलाका ठंडा होता है, ठीक है, ऐसे ही रम के साथ भी है, एक वाइट रम, एक कलरफुल रम, ठीक है, ये सब रहता है। आप प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे जहां डिस्टिलेशन मतलब यहाँ पे अल्कोहल कॉन्टेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है बच्चों। नाउ By the process of fermented broth, the photograph of a fermentation plant is given. ये photograph है, इसमें हम थोड़ी सी और बढ़िया से आपको एक table लिखवाएंगे, लिखवा दो table, yes बच्चों, देख कर ही लिखवाऊंगी यार, मेरे को भी नहीं पता ये सब, चलिए बेटा देख के टेबल लिखवाऊंगी। तो यहाँ पे हम alcohol लिख लेते हैं, अभी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, ये तो आपको पता है ना, यस, ये तो आपको पता है, मेरा काम तो बस पढ़ाना है, देखो मैं पढ़ा रही हूं बस, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पीछे रह जाए पढ़ाई में, ठीक है, यस। नाउ द सबस्ट्रेट यूज्ड एंड द अल्कोहलिक कंटेंट, ठीक है, तो ये सब चीज है। चलिए अब आते हैं यहां पे बियर, फिर हम लिखेंगे वाइन, फिर विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ठीक है, आप ये सब कभी ना कभी नाम जरूर सुने होंगे किताबों में, बाकी तो नहीं ना। चलो अब यहां पे देखते हैं बियर किससे बनती है, बार्ले से। वाइन किससे बनती है, बेसिकली फ्रूट जूस किसका है, आपका ग्रेप्स का। विस्की किससे बनती है, माल्टेड सिरल कौन सा आप यूज कर रहे हैं। ब्रांडी किससे बनती है, फ्रूट जूस से बना सकते हैं ब्रांडी। रम किससे बनती है, मोलासेस, एक बच्चे ने मेरे से अभी पूछा था मोलासेस। वोडका किससे बनता है, आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू, ये गाना गाते हैं नालायक, ठीक है, इसमें 3 से 6%, इसमें 9 से 12%, ओ माई गॉड 50%, 60 से 70%, ओ माई गॉड, ठीक है, 40%, 60 से 80%, देख रहे हैं बेटा। तो यहां पे आप देख सकते हैं जिसमें ज्यादा कंटेंट है वो डिस्टिलेशन से बनेगा, किससे बनेगा बेटा, वो डिस्टिलेशन से बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे विदाउट डिस्टिलेशन काम कर जाएगा, बट सिंस आपको 13% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट करना है तो इन सब के लिए आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। लिख लिया सबने? लिख लो, अच्छा साइड हो जाएं, ये लो। हंस क्यों रहे हो तुम लोग इतना? अबे रजत, राजदीप, डन। मैम मोलासेस बताओ क्या होता है। बेटा रुक जा, तेरे को बनाने की क्रिया भी बताऊंगी, सब कुछ पूछ के चला जा, ठीक है, सब कुछ पूछ ले कि मैम क्या करना होता है। ग्रेप्स के पहले छिलके उतारने होते हैं, फिर पैरों से ऐसे ऐसे करना होता है, फिर उसका जूस निकलता है, फिर उसको बड़े बड़े वुडन टैंकर में रखना, सब पूछ लो तुम, ऐसा करो तुम खुश रहो, सब पूछ लो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे जाने बचती है लोगों की, ठीक है। चलिए, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। आपको पता ही है एंटी, एंटी क्या होता है, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड मीन्स अगेंस्ट, अगेंस्ट है, बायो मीन्स लाइफ, सो अ केमिकल विच इज वर्किंग अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, अ केमिकल विच इज वर्किंग अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, बिल्कुल अगेंस्ट लाइफ। Now, whereas with reference to human beings, they are pro-life and not against. हमारी रेफरेंस में pro-life, ठीक है, yes, बिल्कुल। Pro-life का मतलब क्या है? Pro-life का यानी हमें जिंदगी बख्शता है तो बैक्टीरिया की जिंदगी लेता है, तो कोई कुर्बानी देता है तो कोई आगे बढ़ता है, ठीक है बच्चों। माँ दिन भर तुम्हारे लिए मेहनत करती है, ठीक है, कुर्बानी देती है, तब जाके बच्चे हमारे डॉक्टर बनते हैं, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर, तो यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे की ग्रोथ को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है, यस। यू आर फेमिलियर, फेमिलियर है, पहले आपको ये बताना है, ठीक है, यस, बिल्कुल। You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin? इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो पेनिसिलिन है वो कहां से एक्सट्रैक्ट की जाती है बेटा? पेनिसिलिन यहां पे अलेक्जेंडर वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बेटा? द बैक्टीरिया विच वॉज यूज बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज स्ट्रेफाइलोकोकस। Once observed, the mold growing in one of the unwashed culture plates around which स्ट्रेफाइलोकोकस could not grow. तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, आइए बेटा फ्लेमिंग की डिस्कवरी को सब अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे एक पेट्री डिश, दूसरी, तीसरी, ठीक है, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहा है, ये रहा सारा स्टेफाइलोकोकस जो ग्रो कर रहा है, यहाँ पे भी आपका स्टेफाइलोकोकस है जो ग्रो कर रहा है, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी फंगस। तो यानी कि फ्लेमिंग ने कहा कि हर जगह ग्रोथ हो रही है सिवाय इसको छोड़ के, क्यों? क्योंकि वो फंगस जिसका नाम है क्या, क्या है इसका नाम, इसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम। ये जो फंगस है ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जो स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं होने दे रहा है, ठीक है, यानी कि इट इज प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन के प्रेजेंस में स्टेफाइलोकोकस कैन नॉट ग्रो एंड हेंस ही मेड दिस एक्सीडेंटल डिस्कवरी फॉर विच ही गॉट द नोबेल प्राइस, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब हम जरा वापस एनसीईआरटी चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ could not grow. He found that it was due to a chemical produced by the mold. Mold माने fungus. And he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later. देखो इन्होंने discovery की. Discovery का credit Fleming को गया. ठीक है? But वो कैसे काम करती है? This was proved by Ernest Chain and Harvard Florey. This antibiotics was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded with Nobel Prize. समझ में आ गया बेटा? Yes बच्चों? Done? चलो अब next पे चलते हैं। After penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Can you name some antibiotics? चलो बेटा जल्दी बताओ, जल्दी 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 antibiotics के नाम बताओ। Come on kids, कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो आजकल हम यूज करते हैं? एनीबडी जो बता सकता है? यस बच्चों, कौन बताएगा सबसे पहले? एनी एंटीबायोटिक दैट यू नो दैट यू ईट ऑल्सो, जब भी कोई इंफेक्शन होता है। यस एनीवन, सब सबकी बत्ती गोल है यहाँ पे। यस बच्चों, माना बेटा अभी हम अल्कोहल का टॉपिक नहीं कर रहे, तुम लोग एंजॉय नहीं करोगे, ऐसा करोगे तुम, ऐसा करोगे तुम, यस डोलो हप नालायको। इट इज टेट्रासाइक्लिन, पैरासिटामोल है वो, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरेम्पिसिनॉल, क्लोरेम्पिसिनॉल, केनामाइसिन, ये लो सारे नाम लिखवा दिए जो एनसीईआरटी ने आगे दिए हुए हैं, सारे नाम लिखवा दिए, ठीक है।
पैरासीटामोल लिख रहे हैं, अरे बाप रे। एजिथ्रोमाइसिन ये भी सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी ठीक है, डोलो लिख रहे हैं, अभी कैल्पोल भी लिखेंगे, छोड़ो छोड़ो इसमें मुझे जाने ही नहीं है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग। प्लेग की बात करेंगे अब यहां पे, इसके बारे में लिखेंगे, प्लेग किससे फैलता है और इसका कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, ये दोनों लिखेंगे यहीं पे एनसीईआरटी में। इसका पॉजिटिव एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस, और ये फैलता है, इसका वेक्टर है जिनोप्सिला, जिनोप्सिला दैट इज रैट फ्ली, दैट इज रैट फ्ली, ठीक है बच्चों, दैट इज रैट फ्ली, ठीक है। अब आते हैं वूफिंग का, काली खांसी, इसको हम बोलते हैं पर्ट्यूसिस, इसको बोलते हैं हम क्या, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस की बात करें तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा पर्ट्यूसिस का, यस एनीबॉडी, बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस, क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट, बॉडी टेलर, बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस, बैक्टीरियल है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट कौन से, डिप्थीरिया यानी गलघोटू, ठीक है, यस। तो गलघोटू यानी डिप्थीरिया के बारे में बात करें तो इसका क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, सब लिखवाया था क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है, ठीक है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग की बात करें लेप्रोसी की तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब, टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। बेटा समझ आया सबको, सब पानी पियेंगे, वाटर ब्रेक, एवरीबडी ड्रिंक वाटर, सांस लेने दो मैम को थोड़ी। नहीं बेटा हिंदी मीडियम, मैं इससे ज्यादा हिंदी अभी नहीं बोल पाऊंगी, बच्चों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है मैम से कि मैम प्लस पे भी इतना पढ़ा दे, स्पेशल पे भी, यूट्यूब पे मैम हिंदी मीडियम भी पढ़ा दे, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा दे, ठीक है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है बच्चों को। बट बेटा आपको एट द एंड ऑफ द डे एक चीज समझनी होगी, मैम इज अ ह्यूमन, आई नो यू लव मी, बट एट द सेम टाइम मेरी भी एक बैंडविड्थ है जितना मैं काम कर सकती हूँ। अभी मैंने एक नया चैनल बनाया, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसको भी बहुत अच्छा करना है हमें, वी हैव टू डू इट, है ना। तो बेटा देखो मैं पढ़ा दूं, बट यही है ना कि एक बैंडविड्थ है हर एक इंसान की, यस बिल्कुल। अब देखो एक बच्चा गुस्से में कह रहा है मैम 11th की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज कब शुरू होगी, ना लाइक तुझे पता होता ना, अगर तू क्लास में डेली आता तो तुझे पता होता कि कब दो मेजर यूनिट हो चुकी है, ना लाइक नाम लिख लेंगे लव डब, है ना, नाम लिख लेंगे लव माई एंजल, बट एंजल से फुर्सत मिले ना कुछ समझेंगे, यस बच्चों। चलिए अब आते बेटा, अजय तुझसे टेंशन ना लो, सब चंगा जी, सब चंगा है ना, सब चंगा कटौती में गंगा, यस चलो आ जाओ। अरे बेटा आगे करते हैं, केमिकल्स एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, अब हम इसके बारे में समझेंगे। आते हैं, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनाते हैं, अल्कोहल तो आप जान ही चुके, और एंजाइम, यानी तीन चीजें हम यहाँ पे बना रहे हैं आपके इंडस्ट्रियल स्केल पे, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्पेरिजिलस नाइगर, अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, तो इसके ऊपर तो बेटा ऐसे PYQ आप ऐसे लिख सकते हैं, PYQ ये आज भी क्वेश्चन आता है ना बेटा, यस। तो ये क्या एस्पेरिजिलस नाइगर है जो सिट्रिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड किस में इस्तेमाल होता है आप जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, यस। सिट्रिक एसिड कहां इस्तेमाल होता है, ये कहां हो गया, यहां पे थे ना, तो सिट्रिक एसिड यहां पे इस्तेमाल हो सकता है फ्लेवर्स बनाने में, फ्लेवर्स, इंक, मेडिसिन, इन सब चीजें बनाने में आप यूज कर सकते हैं सिट्रिक एसिड। मैं यहाँ पे ये सब चीजें भी लिखवा रही हूँ सो दैट इट कैन हेल्प यू, ठीक है, यस बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू बेटा। बेटा इतना प्यार आप ले आते हैं ना, कई बार मैम डर जाती है, क्या ना बेटा प्यार की आदत नहीं है, यस बेटा
तुम्हारी बातों से डर नहीं लगता साहब, तुम्हारे प्यार से डर लगता है। यस, कई बार तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड इज विनेगर। क्या है बेटा एसिटिक एसिड? यस, इट इज अ विनेगर। और विनेगर कहां पे इस्तेमाल होता है? चाउमिन बनाने में। क्या बनाने में? चाउमिन, चाउमिन, ठीक है, चाउमिन। देखो भैया चाउमिन जाते हो ना तुम, बेटा मैं आपको बताती हूं सबसे बेहतरीन चाउमिन तुम्हें खानी है, चाउमिन। तो तुम मेले में जाना, मेले वाले क्या करते हैं ना, नूडल्स सुखा के रखते हैं, पता नहीं अलग ही है लेवल, अलग। याद आ गई वैसे, मिस कर रही हूँ मैं, पता नहीं दिवाली कब आएगी। तो बेटा मेले में ना ऐसे बिल्कुल बिछा के रखते हैं, ठीक है, ऊपर थोड़ा धनिया वनिया भी सजा देते हैं, और फिर एक कढ़ाई होती है भैया के पास, और उसमें थोड़ा सा ऐसे नूडल डाला, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे चार चार पांच सॉस डालेंगे और तीखा बनाएंगे बिल्कुल, और फिर ऐसे 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 करेंगे, मजा आता है देखने में। तुम देखना उनके हाथ की जो चाउमीन है, नेक्स्ट लेवल। अब आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहां पे क्या करेंगे, पहले तो इतने नूडल्स देंगे, अजय पेट भरता है क्या इतने से, उसके आसपास पांच छह तरह के पत्ते रख देंगे, नहीं खाने हमको पत्ते यार, है ना। तो बड़े बहुत टेस्टी बनाते हैं वो। तो ये जो विनेगर है ना, चाउमीन बनाने में काम आता है, ठीक है। यस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिकम, ये क्लॉस्ट्रिडियम से आपको पता लग जाना चाहिए था, इट इज अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस ब्यूटायरिक एसिड। क्या बना रहे बच्चों? ये ब्यूटायरिक एसिड, जो बनाने में किस, ये रैंसिड बटर बनाने में काम आता है। कौन सा बटर बेटा? रैंसिड बटर, ठीक है। ये इस वाला जो बटर है ना, इसे बनाने में काम आएगा, ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल। लैक्टोबैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड कर्ड बनाने में इस्तेमाल आता है। तो आई थिंक सारे हमने इसके रोल भी लिख लिए जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखे। यस बिल्कुल, और प्लस हमने ये सारे मार्क भी कर लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है मेजरली, मैं आपको बता दूं कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस करता है, उसका क्या क्या काम रहता है, ठीक है। यस बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यीस्ट। यीस्ट की बात हम बहुत देर से कर रहे थे। यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविस इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। यस बिल्कुल। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो माइक्रोब से हम क्या बनाते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं। चलिए लेट अस कम टू द एंजाइम। अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैराग्राफ, मैं टैग भी कर रही हूँ आपके लिए। दिस टैगिंग कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बच्चों, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि ये वाले जो पॉइंट्स है ये तो मुझे छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। करके दिखा रहे क्या? यस, लो ऐसे बढ़िया से, मजे तो नहीं ले रहे? तुम पे बहुत डाउट होता है, बहुत बिगड़ गए तुम लोग आजकल। लाइपेजेस, लाइपेजेस पहले एंजाइम की बात करते हैं। लाइपेजेस क्या होता है? लाइपेजेस द वन विच डाइजेस्ट फैट, डाइजेस्ट फैट, उस एंजाइम को हम लाइपेजेस कहते हैं, ठीक है। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, कहां यूज होता है? डिटर्जेंट, एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं अब होता क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए अब वो एड देखें, दाग अच्छे हैं, देखें कि नहीं देखें। तो अब आपको ये देखना है कि दो ठो व्हाइट शर्ट लिए हैं, एक पे ज्यादा लाइट फेंके, एक पे लाइट ही नहीं फेंके, और कह रहे वो ज्यादा सफेद है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आम खा रहे थे, आम का मौसम है, कैसे आम खाते हैं? गुठली मिलते, ठीक है, ऐसे बढ़िया से आम खा रहे हैं, खाते खाते यहाँ ऐसे बह गया, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लग गया, सारे स्टेन लग गए किसके? आम के। अब मम्मी वहां से देख रही है, कह रही है खुद धोइयो, आनी तो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने डिटर्जेंट लिया, ठीक है, वहां पे ऐसे लगा लिया और लगा के छोड़ दिया। तो आपने क्या किया बेसिकली, डिटर्जेंट में क्या था? डिटर्जेंट में क्या था बेटा? आपका लाइपेज था। आप लाइपेज जहां जहां वो स्टेन है वहां वहां काम करेगा, ठीक है, बढ़िया से आप रिगड़ देंगे बिल्कुल, आप जोश में आए हैं, ब्रश भी निकालेंगे, ठीक है, और ऐसे आज तो मम्मी देख लेना, ठीक है। यस, अब बिल्कुल बढ़िया से धो दिए और सारे दाग हट गए हैं, मम्मी शॉक्ड, यू पीपल रॉक्ड, ठीक है। सो लाइपेजेस आर बेसिकली दोस विद डाइजेस्ट फैट एज टू रिमूव द स्टेन्स, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल्ड फ्रूट जूसेस, बॉटल्ड फ्रूट जूसेस की बात करें तो ट्रॉपिकाना हो गया आजकल, और कौन कौन से आते हैं? रियल वाले आते हैं, रियल, यस, नाम है ब्रांड का, रियल नहीं है वो,
अच्छा और कौन से होते हैं? बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं फ्रूट जूसेस, टेट्रा पैकिंग में आते हैं, ठीक है, फ्रूट जूसेस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आजकल प्रेशर जूसर आ रहा है, आपको पता है, देखिए आप, अभी हम दिखाते हैं तुमको। आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है, हर के घर में सबसे पहली चीज वही आई है, मैं आपको दिखाती हूं प्रेशर जूसर। यस, आई विल शो यू, डोंट वरी, आई विल शो यू। यस, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला प्रेशर जूसर है, दिस इज योर प्रेशर जूसर है, यहाँ आप फोटो देख सकते हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ है, सबके सब यही ले आए हैं घर में। तो आप जब आप इसे जूस निकालेंगे, जब आप इसे जूस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे फाइबर आ गए हैं, तो ऐसा मजा सा नहीं आ रहा है पीने में, छिलके आ जा रहे हैं, दांत में अट जा रहे हैं, फिर उंगलियों से ऐसे 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 करके निकालते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब घर के जूस में वो बात नहीं थी, है ना, उसी टाइम आपने सोचा कि चलो बाहर से मैं ले आता हूँ, तो बाहर वाले में एक भी फाइबर नहीं है। क्यों फाइबर नहीं है? क्योंकि उसे डाइजेस्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्लेरिफाइड का मतलब है कि उसका सारा फाइबर क्या है, डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेज, अब इस पूरे को पूरे डाइजेस्ट करने के लिए, साफ करने के लिए आपने एंजाइम कौन सा यूज किया, पेक्टिनेजेस, विच इज गोइंग टू डाइजेस्ट द पेक्टिन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। एंड प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो प्रोटीन हटा दिया, फाइबर हटा दिया, पी के क्या करोगे, प्याज बुझाओगे क्या? यस, बता जरा, अब पी के क्या करोगे, प्याज बुझाओगे, पानी पी लो इससे बढ़िया, उसके अंदर थोड़ा रूअफ़ज़ा मिला लो, यस, मजा आ जाएगा, बिल्कुल रूअफ़ज़ा मिला लो थोड़ा सा। तो बेटा ये सब चीजें, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे हम मार्क करेंगे, PYQ हर एक लाइन से सवाल बनता है, मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर में हर लाइन से मैं चार तरीके के सवाल बना सकती हूँ, ठीक है। यस, आ जाओ, अब देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, नाम क्या है प्रोडक्ट का, स्ट्रेप्टोकाइनेस, और स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर for removing clot from the blood vessels of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। अभी क्या कह रहा है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या आ गया है, ठीक है, डॉक्टर शॉट, डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक, इट्स अ केस ऑफ हार्ट अटैक, वो कहेगा ये दवाई ले लो, दवाई क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। अगर क्लॉट के कारण हार्ट अटैक आया है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और इंसान तुरंत से ठीक हो जाएगा। तो यही चीज है, स्ट्रेप्टोकाइनेस एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर विच कैन सेव अ पेशेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक, ठीक है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, नए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की बात करें तो वो है साइक्लोस्पोरिन ए, कौन सा बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट, इसे हम यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है जो अक्सर सर्जरी के बाद दी जाती है, ठीक है। यस, नाउ स्टैटिंस, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, स्टैटिंस प्रोड्यूस बाय द यीस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, क्या है, यीस्ट है, ये क्या है, यीस्ट है, ये क्या है, फंगस है, ठीक है, हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो नेचुरली ये काम इस्ट्रोजन का होता है, नेचुरली ये काम क्या होता है बेटा, इस्ट्रोजन का होता है, बट यहाँ पे जो हम यूज करें वो स्टैटिंस यूज करें जो यीस्ट मोनास्कस परप्यूरियस से आपने ली है, ठीक है। इट एक्ट बाय competitive inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol, ठीक है, तो जो enzyme cholesterol को synthesize कर रहा है, लिख देती हूँ मैं, रुक जाओ, ये है enzyme, enzyme का substrate होता है acetic acid और inhibitor क्या है आपका statin, और दोनों के बीच में मुकाबला कौन सा है, competitive inhibition, ये आप लिख सकते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजाइम की एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड के दो दावेदार है, स्टैटिन भी हो सकता है और एसिटिक एसिड, अगर स्टैटिन जुड़ गया यहाँ पे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या सबको यहां तक समझ में आया चैप्टर, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, यस जल्दी बताइए,
इतना यहां तक सबको समझ में आ गया? Come on, kids. साक्षी कह रही है नैन्सी कहा है, वेयर इज नैन्सी? यस, केमू भी आए, दर्शनी भी आई है, राजनंदिनी भी आई है, हिमांशी, मान्या भी आई है, प्राची, यस, सारे बच्चे आए मेरे, खुशी, कुटकुट कहा है, कुटकुट, वेयर इज कुटकुट? कुटकुट नहीं दिख रहा मुझे, यस, पिल्लू, पिल्लू भी आई है, ये भी देख लिया मैंने, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो अब आगे चलते बेटा. द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. बेटा यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल, तो यानी कि यहां पे मैं प्लस फोर लिख रही हूं इस टॉपिक के आगे. मैम ने क्या लिखा है? प्लस फोर लिखा है. ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा लग रही है, एक सेकेंड बच्चों, आपको अच्छे से दिख रहा है बच्चों? बेसिकली मेरी आईज बहुत पेन करना शुरू कर दिया. आपको दिख रहा है एक बार आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं वापस ब्राइटनेस ऑफकोर्स इंक्रीज करूंगी. आपको दिख रहा है अच्छे से? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, इतनी ब्राइटनेस पे आपको सब कुछ दिख रहा है जो भी स्लाइड पे मैं लिख रही हूं या बना रही हूं? दिख रहा है? थैंक यू बच्चों. आज मेरी आईज में बहुत पेन हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ टू मच ब्राइटनेस और आई एम टीचिंग ऑन व्हाइट बोर्ड काफी टाइम से, इसलिए. चलिए आगे आते हैं बच्चों. वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन. बेटा आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट वाटर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में हर दिन आपके घरों से, आपके ऑफिस से बनता है. ठीक है, वेस्ट वाटर माने तो आप वॉशरूम तो जाते ही होंगे, सुबह सुबह सब हल्के होके आए होंगे क्लास में, एक आध जो हल्के नहीं हुए हैं वो महका रहे होंगे इधर उधर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए जो वेस्ट वाटर है वो हर दिन घर से निकलता है, हर दिन ऑफिस से निकलता है. ठीक है, अब मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ दिस इज वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा. तो जो मेजर कॉम्पोनेंट है वेस्ट वाटर का क्या है? एक्सक्रीटा. ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब इंसान का मल. ठीक है, दिस म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट, वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज. इसी पानी को, इसी गंदे पानी को हम क्या कहते हैं? सीवेज बोलते हैं. क्या कहते हैं बेटा इस गंदे पानी को? सीवेज बोलते हैं. ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? पॉटी. ठीक है, खूब सारा फीकल मैटर है. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर में क्या? बहुत सारा फीकल मैटर, और फीकल मैटर फॉर्म्स अ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज. ठीक है, एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स होंगे. ठीक है, बिल्कुल. मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक. इनमें से बहुत सारे क्या? पैथोजेनिक भी होते हैं. हैव यू एवर वंडर? बेटा वंडर करना चाहोगे? यस, वंडर करना चाहोगे? देखो इधर, हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर डिस्पोज्ड ऑफ डेली? नाला. यस, क्या कहते हैं उसे? नाला, बिल्कुल. दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली. अब आप कह रहे हैं कि नाले का पानी सीधा आप नदी में डाल दें तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नदी गंदी हो जाएगी. इतना सब फीकल मैटर आप कर रहे हैं डेली. ठीक है, तीन तीन चार चार बार भी हो जाता है, जिस दिन छोले भटूरे खा लो या कुछ भी खा लो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इतना सारा जो वेस्ट है वो आप भेज नहीं सकते रिवर्स में, तो उसको ट्रीटमेंट करना होगा. स्पेशल क्लास अगले महीने से होगी, एक क्लास होगी कल. कल, यस बेटा, कल आपकी छुट्टी होगी. आई एम गोइंग माई होम टुमारो. मैं आपको बता देती हूँ, मंडे को क्लास लूंगी, संडे मैं कल नहीं ले पाऊंगी बिकॉज आज मैं शाम को घर जा रही हूँ अपने. ठीक है, एंड बाकी जो नेक्स्ट वीक की क्लासेस होगी वो इस वाले सेटअप से नहीं, दूसरे वाले सेटअप से मैं लेने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आई एम गोइंग होम, वहां पे सेटअप नहीं है. ठीक है, तो बट आप हाईलाइट सीरीज में आना, आपको मजा उतना ही आएगा. इट्स जस्ट फॉर थ्री और फोर डेज, तीन चार दिन की बात है. आई डोंट वॉन्ट टू स्किप योर क्लासेस, तो इसलिए मैं सेटअप चेंज कर रही हूँ, बट आई विल बी टेकिंग माई क्लासेस. बस कल क्लास नहीं होगी, कल की छुट्टी दे दो यारो. बट कल स्पेशल क्लास होगी, प्लस क्लास होगी. मैं बता दूं, यूट्यूब पे एज इन क्लास नहीं आएगी, बट स्पेशल क्लास होगी, उसमें आपको आना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आपकी प्लस की क्लास होगी, दो क्लासेस होगी. ठीक है, यस, तो मैं तीन चार दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ बेटा, इसलिए. ठीक है, चलो अब आगे आते हैं. मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, तो इनमें से बहुत सारे क्या है? पैथोजेनिक है. ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट कहां जाता है? नाले में जाता है. ठीक है, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर, सो बिफोर डिस्पोजल, यानी सिर्फ रिवर में गिराने से पहले आपने इस सीवेज को ट्रीट करना है. ठीक है, एंड दिस इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. किसके थ्रू करते हैं आप इसे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो आइए इसकी पहले फोटो देखेंगे बढ़िया सी. ये यहां पे एनसीईआरटी एक छोटी फोटो लगाई है,
हम बढ़िया से देखने की कोशिश करते हैं अगर हमको अच्छी सी फोटो मिल जाए इसकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम बढ़िया से समझ पाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये देखिए कितना, सबसे पहले तो हम आपको फोटो दिखाएंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी है, ये सब फोटो देख पा रहे हैं, अभी दिखाती हूं मैं आपको। ये देखिए कितना गंदा पानी है, दिस इज नाला पानी, ठीक है। यस बिल्कुल यस, तो ये आप देख सकते हैं दिस इज द ब्लैक वाटर विच इज कमिंग आउट ऑफ कमिंग आउट ऑफ होम और ऑफिस, ठीक है। ये बहुत पैथोजेनिक वाटर है, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यही मेजर रीजन है कॉलेरा का, टाइफॉइड का, जो हो जाता है, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, चलिए ये प्लांट हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, बढ़िया सी फोटो है, दिल्ली इज ऑल सेट फॉर द बेस्ट एंड द बिगेस्ट सीवियर ट्रीटमेंट भाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं हम, यहाँ पे गंदा पानी डाले हैं, इस तरीके से आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखता है, ठीक है। यस, अब आते हैं, लेट स्टडी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कह रही है, चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे होता है, लेट अस स्टार्ट। यहां से हम देखेंगे, ये पढ़ लिया ना हमने, सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, यहां से स्टार्ट करेंगे अब टॉपिक। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, जो पानी का ट्रीटमेंट है वो दो प्रोसेसेस में होता है, कितने प्रोसेस में होता है बच्चों, एवरीबॉडी टेल मी। अब हम इसके नोट्स भी बनाएंगे साइड बाय साइड, ठीक है। यस, तो यहां पे हम दो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट प्रोसेस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, कितने ट्रीटमेंट है, दो। सबसे पहले तो सब बच्चे यहां पर लिखेंगे ट्रीटमेंट, और कितने ट्रीटमेंट है, दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पी से स्टार्ट होता है, तो पी से यानी फिजिकल, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका फिजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी वाला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये आपका बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, यहां पे आप क्या यूज करने वाले हैं, यहां पे आप यूज करने वाले हैं माइक्रोब्स, क्या यूज करने वाले हैं, माइक्रोब्स। तो ये तो था एक बड़ा पिक्चर, अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट से, ठीक है। यस बिल्कुल, आ जाओ प्राइमरी ट्रीटमेंट। दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां से क्या रिमूव हो रहा है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो यानी फिजिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा आपने एक टैंक लिया, क्या लिया बच्चों, आपने टैंक लिया, टैंक के अंदर आपने सारा नाले का पानी डाल दिया, ज़ूम। जैसे आपने नाले का पानी डाला उस टाइम आपने छन्नियां लगा दी, ठीक है। देखिए आई एल एक्सप्लेन, ये टैंक है, ठीक है। टैंक के ऊपर लगाई आपने छन्नी, तीन चार साइज की छन्नी, मोटे छेद वाली छन्नी, छोटे छेद वाली छन्नी, बिल्कुल छोटे छेद वाली छन्नी, ठीक है, ये आपने किया। अब उसके ऊपर आपने नाले का पानी दूर पानी गिर गया, जैसे पानी गिरा जितना भी प्लास्टिक कूड़ा करकट सब कुछ है वो ऊपर रह जाएगा। अब पानी को नीचे डाल दो, अब उसको छोड़ दो 5-6 घंटे के लिए, जस्ट फॉरगेट। जैसे आप छोड़ दोगे तो जितने भी उसमें मिट्टी विट्टी जो भी है, ग्रैन्यूल्स मिट्टी पत्थर, वो सब नीचे बैठ जाएंगे। सो दिस व्हाट यू डू इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट, आया कि नहीं आया सबको समझ में, जल्दी बताओ। तो यही हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे, सो दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उससे क्या होगा आपके जितने भी कूड़ा करकट है वो सब हट जाएगा। देन द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो यानी कि पहली फिजिकल ट्रीटमेंट में भी दो प्रोसेस आपने की, जिसमें पहला था फिल्ट्रेशन और दूसरा था सेडिमेंटेशन। दूसरा क्या था आपका, सेडिमेंटेशन, ठीक है, आर रिमूव बाय सेडिमेंट। नाउ ऑल सॉलिड्स दैट आर सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटम फॉर्म्स द इफ्लुएंट। नाउ ये लाइन समझनी थोड़ी मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि भारी अंग्रेजी यूज की है, ठीक है। प्राइमरी स्लज, जो भी टैंक के अंदर इस टाइम पे पानी है, ठीक है, उसे प्राइमरी स्लज बोलेंगे। मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, अंग्रेजी को समझिए, ठीक है। यस, जो भी टैंक के अंदर पानी है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज, ठीक है।
प्राइमरी स्लज में जो भी नीचे मिट्टी जम गई, जो मिट्टी जम गई ठीक है, एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स अ इफ्लुएंट, जो मिट्टी नीचे जम गई और जो ऊपर जो पानी है जो इस टाइम है बिना मिट्टी वाला, उसे आप बोलते हैं इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं उसे? इफ्लुएंट। चलिए आइए इसको देखते हैं, एक बार इसका बना लेते हैं डायग्राम। ये टैंकर है, टैंकर में नाले का पानी है, इसे बोला प्राइमरी स्लज। अब प्राइमरी स्लज में जब सेडिमेंटेशन आपने किया तो नीचे सारा ग्रिट जम गया, ये ग्रिट हो गया, और ऊपर के सुपरनेटेंट, ये है सुपरनेटेंट, और इस सुपरनेटेंट को हम इफ्लुएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफ्लुएंट। क्या ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार जल्दी से मैम को चैट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। नाउ दिस द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब हम इतने पानी को, इतने हिस्से को अब हम लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। आया सबको समझ में? यस बच्चों, डन। यहां पे अब देखो, यहां पे एक बार इसको समझा देते बढ़िया से तुमको। ये बड़ा सा टैंकर है, ठीक है, ये टैंकर है, इसके ऊपर आपने छन्नियां लगाई है, छन्नी वन, छन्नी टू, ठीक है। यहां पे नाले का पानी डाल दिया आपने, ये बन गया नाले का पानी, ये सारे नाले का पानी आ रहा है छन के। सो इतने स्टेप को आपने क्या बोला? फिल्ट्रेशन। इतने स्टेप को आपने बोला फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद जितना भी यहां पे पानी आया है, जितना भी यहां पे पानी आया है फिल्ट्रेशन के बाद, उसको आपने बोला प्राइमरी स्लज। अब प्राइमरी स्लज में आपने किया सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन के बाद नीचे रह गया आपका ग्रिट प्लस सॉइल पेबल्स, ठीक है। और जितना ये वाला पार्ट था, जितना ये वाला हिस्सा है, इसे आपने बोला इफ्लुएंट, इसे बोला आपने इफ्लुएंट। एंड नाउ दिस इफ्लुएंट विल बी टेकन फॉर सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब आया समझ में बच्चों? कम ऑन एवरीवन, टेल मी, क्या एक वर्ड क्लियर है? व्हाट इज प्राइमरी स्लज, व्हाट इज इफ्लुएंट, व्हाट इज सेडिमेंटेशन, व्हाट इज फिल्ट्रेशन? यस, डन बच्चों? बेटा स्पैम क्यों कर रहे हो? बेटा आपको प्रॉब्लम है क्या पढ़ने में? यस, आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में जो आप स्पैम कर रहे हो? दर्द हो रहा है बेटा आंखों में बहुत तेज आज। आई थिंक आई नीड टू वॉश माई आईज। बेटा बाकी है ना हम कल करेंगे, मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। आई थिंक आई नीड टू वॉश माई आईज वंस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ज्यादा चैप्टर वैसे भी बचा नहीं है, बस इतना ही बचा है। दिस वी कैन इजिली फिनिश ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास, वरना नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। आज करेंगे तो 3 घंटे हो जाएंगे, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो नेक्स्ट क्लास बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ, स्ट्रैटेजी में अभी बात करती हूँ टीम से, देन विल वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी सेशन ऑन न्यू चैनल। बेटा देखो, मेरी गलती जेन्युइनली नहीं है, मैं लेना चाहती थी सेशन, मैं तैयार थी, बट अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो इसमें चाह के भी मैम कुछ नहीं कर सकती। बेटा आपको समझना होगा, मैंने अनाउंसमेंट कर दी, मुझे कितना बुरा लगा आप ये सोचो, मैंने अनाउंसमेंट कर दी, 27,000 बच्चों ने वो वीडियो देखी है, 27,000 ऑन नीट टॉपर एंड 9,000 ऑन बायोलॉजिकल, वो नीट रैंकर्स बायोलॉजी, ठीक है। तो कुल मिला के 35-40,000 बच्चों ने देख लिया, और वो सेशन नहीं हुआ, आई फेल्ट सो बैड। मैं यहीं पे थी स्टूडियो में, आई वॉज हियर, लर्नर ऑफ द वीक में मैंने शिवम को बुलाया, वो अच्छे से नहीं हो पाया, आई फेल्ट बैड। तो कई बार हम टेक्नोलॉजी के आगे बेटा बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, मतलब वी बिकम हेल्पलेस। कई बार होता है ना कि आप चाह के भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके हाथ में वो चीजें नहीं होती, ठीक है। इट इज मोर ऑफ अ सिस्टम वे। मैं, आपको क्या लगता है, मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रैटेजी ले रही हूँ यार, इट इज अ बिग थिंग फॉर मी, मेरे लिए बड़ी चीज है, बाकी शायद सब लेते होंगे बट मेरे लिए बड़ी चीज है, क्योंकि मैं नहीं लेती थी। तो कोई नहीं बेटा, आ जाएगी, मैं आपको खुद से नोटिफाई करूंगी, आई विल, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आराम से पढ़ो, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर करें। कल स्पेशल क्लास होगी 1 घंटे की, उसमें आप जरूर आए, और आप नेक्स्ट यूनिट इसके बाद
यानी कि ट्यूसडे को जो यूनिट शुरू होगी वो पता है कौन सी होगी? एनी गेसेस? एनीबडी हु कैन गेस द नेक्स्ट यूनिट? यस दिव्यांशी, दैट विल बी योर सेल बायोलॉजी. सो विल बी स्टार्टिंग विद द यूनिट सेल बायोलॉजी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स वर वेटिंग टू डू सेल बायोलॉजी विद मी. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद सेल बायोलॉजी यूनिट फ्रॉम ट्यूजडे. मंडे को विल बी फिनिशिंग द 12th. फाइनली हम 12वीं को क्लोज करके रख देंगे हाईलाइट सीरीज में एंड वी कैन स्टार्ट आवर क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th, है ना? तो हम क्लास 12th को और 1st जून को बेटा आप लोगों की डेट शीट आने वाली है बोर्ड्स की. तो मैंने आपको बताया बोर्ड्स की डेट शीट का है मैम को इंतजार. एज सून एज द डेट बोर्ड शीट्स कम, ठीक है, वी विल डिसाइड कि ठीक है नीट इतने दिनों में हो सकता है एंड देयर इज द टाइम वी आर गोइंग टू रॉक टुगेदर, ठीक है. सो फर्स्टली आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्रैश कोर्स ऑफ 12th क्लास, क्योंकि 12th हमारी कंप्लीट हो गई है. इन एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज यू कैन डू 11th क्लास विद मी. तो 12th 11th दोनों चल सकेगी, तो आपका रिविजन भी होता जाएगा और आप आगे भी बढ़ते जाएंगे, है ना बच्चों? थैंक यू सो मच. चलो बाय, टेक केयर.